फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ऑमलेट बताने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कुक बुक। मैं हूँ आभा और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक और लॉकडाउन स्पेशल ब्रेकफास्ट जो हाई प्रोटीन और लो कैलोरी डाइट है। ये आपके वेट को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। इसका नाम है स्टफ्ड वेजिटेबल ऑमलेट। ये मैं वेज और नॉन वेज दोनों ही तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है। इसमें हमने ढेर सारी सब्जियां ली हैं। ये है पत्ता गोभी, फ्रेंच बीन, एक गाजर, एक छोटी सी शिमला मिर्च और कटी हरी धनिया। ये सारी सब्जियों को हम बहुत बारीक छोटा छोटा काट लेते हैं और साथ में ये एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, लहसुन 5-6 कलियां और हरी मिर्च। अब हम एक बाउल में 2 एग को फोड़ लेते हैं। दोनों एक को फोड़ के हम थोड़ा सा इसको फेंट रहे हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा कटी हुई धनिया, सब्जियां तो मैंने पहले ही तैयार करके रखी हैं, एक चुटकी नमक और एक चुटकी काली मिर्च डालेंगे और फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ हम एक और बड़ा सा बाउल लेते हैं, उसमें हमने 2 बड़ा चम्मच बेसन डाला हुआ है, साथ में 1/2 टीस्पून हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। पानी इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाएंगे। ये बटर अभी हमारा और देखिए गाढ़ा है। थोड़ी सी कटी हुई धनिया भी डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा चॉप्ड लहसुन, इसको भी डालकर मिक्स करते हैं। अभी भी ये गाढ़ा है तो इसको हम पानी डाल के और इसको पतला करते हैं। ये बैटर बहुत गाढ़ा नहीं रहेगा, ये ठीक ठाक पतला ही रहेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कितना पतला है। इसको भी ढककर हम साइड में रख देते हैं और अब हम गैस पर पैन रखते हैं गर्म होने के लिए और उसमें ऑयल डालते हैं। कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल आप ले सकते हैं। जब ये पैन अच्छे से हीट हो जाएगा, यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको, गैस की फ्लेम आपकी फुल ही रहेगी लगातार। ये अच्छे से हमारा पैन हीट हो गया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, प्याज ये सब डाल के थोड़ा सा सॉटे करते हैं। फिर तुरंत हम फ्रेंच बीन डाल देते हैं, क्योंकि फ्रेंच बीन को पकने में हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे बाकी सब्जियों के मुकाबले। फ्रेंच बीन डाल के हमने 30 सेकंड लगभग इसको सॉटे किया होगा। गैस की फ्लेम अभी भी फुल ही रहेगी जब तक कि ये सारी सब्जियां होंगी। अब बाकी बची हुई सब्जियों को भी हम सॉटे करते हैं। नमक, काली मिर्च, धनिया जो भी हमारे पास था वो सब इसमें डालते हैं। और मैंने ये पनीर का टुकड़ा भी इसमें डाल दिया है, एक पनीर का टुकड़ा। और इस तरह से ये हम गैस की फ्लेम को फुल में रखते हुए इसको सॉटे कर लिए। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम इसी पैन को धुलकर फिर से गैस पे रखते हैं और एक चम्मच देसी घी डालना है या फिर आप बटर डाल सकते हैं, वो और अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम जो 2 एग को फेट कर रखे हुए हैं इसमें पैन को गर्म होने पर उसको अच्छे से डालेंगे। पूरे पैन में इसको हमने फैला दिया ये, और इसको इस तरह से ये आप अपने पलटे से इस तरह से प्रेस करते हुए करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका एग एक तरफ से जलेगा नहीं। इस समय गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रहेगी, वरना आपका एग एक तरफ से बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, वो खाने में अच्छा नहीं होता है। ये इस तरह से कर देंगे, इससे आपका नीचे से बहुत ज़्यादा लाल नहीं हो पाएगा। और बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आपको नीचे से ये चिपके नहीं ध्यान देना होगा। ये थोड़ी हरी मिर्च हमने ऊपर से भी डाल दी है, अगर किसी को ज़्यादा तीखा पसंद हो तो वो डाल सकता है। अब हम इसमें जो सब्जियों को हमने सॉटे कर रखा है, लगभग 4 चम्मच फुल, बिल्कुल भर भर के
इसमें डालेंगे और इसको जैसे डोसे को हम लोग रैप करते हैं उसी तरह से रैप करके ये हमारा रेडी हो गया। गैस को मैंने बंद कर दिया। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करते हैं। लग रहा है ना सुंदर? या इसको आप किसी भी सॉस या चटनी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं। फिर से मैंने पैन को गरम किया, उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और जो बेसन के बैटर को हमने घोल कर रखा था ये भी अब काफ़ी हद तक सेट हो चुका है। 10 मिनट तो हो ही चुके होंगे। इसको हम इस तरह से फैला दे रहे हैं और गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह से बेसन के इस बैटर को हमें थोड़ा पलटना भी होगा। एक को तो हमने पलट के नहीं पकाया था, उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बेसन के इस ऑमलेट को आपको पलटना होगा, नहीं तो बेसन आपको थोड़ा कच्चा लगेगा। ये मैंने दूसरी साइड में, अंदर की साइड में हम थोड़ा सा इसको पका लेंगे। ये मैंने हल्का सा ये सूख जाए ताकि ये हो गया। अब इसमें भी हम अपनी हरी सब्जियां और पनीर सब कुछ जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है वो सब इसमें खूब सारा इसमें फुल लगा देते हैं और इसको रैप कर देते हैं। ये भी हमारा रेडी हो गया और इसे भी हम एक प्लेट में सर्व कर देते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से